हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरे ट्रिक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बतलाने वाला हूं कि गैलरी के फोटो को गैलरी में ही कैसे छुपा करके रखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके भी फोन में कोई पर्सनल फोटो है, डॉक्यूमेंट है या किसी भी फ्रेंड्स का फोटो है जिसे आप गैलरी के अंदर छुपा करके रखना चाहते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के, तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोग को बिना किसी एप्लीकेशन के बतलाऊंगा और वो भी फ्रेंड्स आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखलाऊंगा कि किस तरीके से मैं अपनी गैलरी का फोटो को गैलरी के अंदर ही छुपा करके रखता हूँ। तो अगर आप भी गैलरी का फोटो को छुपा करके रखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बतलाऊंगा और बहुत ही इजीली तरीके से बतलाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। बट उससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आर ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम और कोई न्यू जानकारी के साथ वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे यह मिस नहीं हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, गैलरी के फोटो को गैलरी के अंदर छुपा करके रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का गैलरी को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपने फ़ोन का गैलरी को ओपन कर लेता हूं। जैसे ही आप गैलरी को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, फ़ोटो और एल्बम का। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ एल्बम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एल्बम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपके फ़ोन में फ़ोटो होगा, जिस नाम से फोल्डर होगा, वो यहाँ से हो जाएगा, जैसा कि आप मेरा देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जिस फोटो को छुपा करके रखना है गैलरी के अंदर, उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। तो चलिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखलाने के लिए एसडी कार्ड नाम से एक फोल्डर है जिसमें एक फ़ोटो है, मैं उसे आपको छुपा करके दिखला देता हूँ। तो मैं इस पर लॉन्ग प्रेस कर लेता हूँ। आप भी अपने हिसाब से जिस फोटो को छुपा करके रखना चाहते हैं उस पर आप लॉन्ग प्रेस करके रखिए। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा तो फिर से आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे पिन, डिलीट, मैक इनविजिबल, रीनेम, मूव टू अदर एल्बम और शो इन फोटोज। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ क्या करना है, मैक इनविजिबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, जो कि तीसरे नंबर में है, यानी कि 3 नंबर में। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे, यानी कि मैक इनविजिबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, आपके गैलरी का वो फोटो हाइड हो जाएगा, वो भी गैलरी में। और फ्रेंड्स, आप इस फोटो को जब देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, फिर से गैलरी को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप गैलरी को ओपन कीजिएगा तो फिर से आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको राइट साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। तो जस्ट आपको 3 डॉट पर टैप कर देना है, यानी कि क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि कॉलेज, क्लिप्स, फ्री अप स्पेस, ट्रेस बिन, सेटिंग्स। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ सबसे नीचे में सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने एक नया पेज खुल करके ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने पर फ्रेंड्स, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, व्यू हिडन एल्बम, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप व्यू हिडन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके गैलरी में जो भी फोटो हाइड हुआ होगा वो यहाँ से हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप यहाँ से इस फोटो को देख भी सकते हैं, और आप इसे अनहाइड करना चाहते हैं तो यहाँ उसके साइड में अनहाइड का ऑप्शन है, आप अनहाइड पे क्लिक करके इसे अनहाइड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से अनहाइड कर देता हूँ। जैसे ही आप अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके गैलरी से जो भी हाइड हुआ होगा फोटो वो अनहाइड हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखला देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में ये वापस आ चुका है गैलरी में। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप अपने गैलरी के फोटो को गैलरी के अंदर ही छुपा करके रख सकते हैं, यानी कि हाइड करके रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपका एमआई का फ़ोन है तभी आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, और कोई अदर ब्रांड का फ़ोन है तो आप इस ट्रिक का यूज नहीं कर सकते हैं। तो कैसा लगा यह वीडियो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आर ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके और पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नई वीडियो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए बाय।